सो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस के लेकर, क्योंकि बहुत से लोग फिलहाल एक अपने ही ख्यालों में थे कि भैया बिटकॉइन पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन बिटकॉइन में अचानक ऐसा मूवमेंट दिया है जहाँ पर पूरा मार्केट एकदम उथल पुथल हो चुका है। जो भी फाइनेंशियल मार्केट में है वो बिल्कुल एकदम सभी की नज़र फिलहाल बिटकॉइन पर आ चुकी है। रिसेंटली जो न्यूज़ आया है पेपल की ओर से, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आया है, उसके कारण मुझे लगता है काफ़ी हमको एक हाइप देखने को मिला है बिटकॉइन के अंदर। क्योंकि हम टेक्निकली बात करने की कोशिश करेंगे क्या लगता है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। उसके लिए कुछ नहीं करना है, 200 लाइक्स और 100 कमेंट्स करना है, जैसे अभी तक आपने आपका सपोर्ट और प्यार बना रखा है। इस वीडियो में भी आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखो, ताकि नेक्स्ट एक अल्टकॉइन है जो कि टेक्निकल प्लस फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, अगर आप चाहते हो कि वो अल्टकॉइन के लिए मैं वीडियो बनाऊं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पर 200 लाइक्स और 100 कमेंट्स कर दो फास्ट तरीके से। और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल बात करेंगे हम बिटकॉइन मंथली कैंडल की। मेरे यहां पर अगर हम मंथ के चार्ट में बात करें, तो मंथ के चार्ट में बिटकॉइन एक हेल्दी क्लोजिंग तो नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन एक हेल्दी वे देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम का सप्लाई जोन इस लेवल पर क्रिएट हुआ था। अगर मैं इसके हाई पर बात करूँ यहाँ पर, तो मार्केट देखिए, एक तो क्या था, मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया मंथ के अंदर, ब्रेकआउट करने के बाद माइनर सा पुल बैक भी कन्फर्म हो चुका है। अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इस कैंडल पर अगर आप लोग फोकस कर रहे हो, तो ये बेसिकली एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक है। हम सभी को पता है बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न एक ऐसा कैंडल है जो कि मार्केट में बुलिश साइन को क्रिएट करता है, मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन का भी काम करता है, प्लस मार्केट रिवर्सल का भी काम करता है। बट फिलहाल सिनेरियो की बात करें, तो ये पिछला लेवल का मार्केट यहाँ पर क्या था, एक रेजिस्टेंट लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया, और मार्केट करेंटली यहाँ पर उसको सपोर्ट काउंट किया, और यहाँ पर मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है। देखिए सिंपल सा एक यहाँ पर याद रखिए कि अभी मार्केट को क्लोज यानी मंथली कैंडल क्लोजिंग के अंदर 9 days अभी रिमेनिंग है कैंडल क्लोजिंग को, 9 दिन के बाद ही हम कंफर्म करेंगे कि यह बुलिश एंगल्फिंग है या नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक मार्केट यहां पर एक हेल्दी क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक हम कोई भी यहां पर एस्टिमेशन नहीं लगा सकते कि मार्केट यहां से और हाई जाएगा या मार्केट यहां से और डाउन जाएगा। तो आप वह कीजिए कि मार्केट मंथली कैंडल के अंदर अगर बुलिश कैंडल कंफर्मेशन क्लोज हो जाता है, तो इंशाल्लाह आपका जो $13,900 का कैंडल है, ये आने वाले मंथ के अंदर आपको ब्रेकआउट देखने को मंथ के कैंडल में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल बात करूं, तो मंथ के कैंडल के अंदर बिटकॉइन सेम वही अपने लेवल में है, लेकिन एक पॉजिटिव वे यहां पर देखने को मिल रहा है कि भाई अगर मार्केट इसको होल्ड कर बुलिश कैंडल में क्लोज करता है, तो डेफिनेटली हमारे पास एक अच्छा रास्ता रहेगा जहां पर मार्केट एक हायर वेव में मूवमेंट करने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर मैं इसको और भी हाई टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करता हूँ, जो पिछले लेवल्स थे इक्वल तरीके से अगर बात करते हैं, यहाँ पर जो शैडो कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर 50% लेवल है, यहाँ पर रेजिस्टेंट लेवल, तो मार्केट ने इस लेवल को एक हेल्दी तरीके से ब्रेकआउट किया है। अब अगर मार्केट इसी वे में यहाँ पर वीक में भी क्लोज करता है, तो ये भी हमारे लिए हेल्दी बात है। लेकिन सिंपल कंसेप्ट है, वीक में क्लोजिंग के लिए भी यहाँ पर हमारे पास स्टिल 3 दिन बाकी है। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ डे के अंदर, तो डे का रेजिस्टेंट लेवल यहाँ पर है, मार्केट हेल्दी वे में क्लोजिंग किया हुआ है, माइनर सा पुल बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब ये पुल बैक माइनर है या मेजर, ये लेवल के बाद पता चलेगा। मतलब ये जो लेवल है, अगर ये लेवल के अबव मार्केट आपका क्लोजिंग करता है, जैसे कि आपको ये लेवल देखने को मिल रही है, आप इस लेवल पर बारीकी से फोकस करो, जब तक मार्केट इस लेवल के अबव क्लोजिंग या होल्ड कर रहा है, तब तक बिटकॉइन के लिए अच्छी बात है। जिस टाइम भी मार्केट ने इसके बिलो क्लोजिंग कर दिया, तो फिर समझ लो कि बिटकॉइन के लिए एक नेगेटिव बात हो सकता है। तो फिलहाल आपका जो मेजर मेन लेवल है डे के अंदर, वो है बेसिकली अगर आप इस रेंज को देखेंगे, तो वो है $12,260 का। ये लेवल के अबव मार्केट ने में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पॉसिबल, ये अगर सक्सेसफुल तरीके से होल्ड करता है, देन डेफिनेटली आपका मार्केट $13,800 पे देखने को मिलेगा। और ये ऑब्वियसली बात है, इतनी जल्दी इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक रेंजिंग एरिया है मार्केट का। मार्केट ने यहाँ पर एक्यूमुलेशन किया था, रिजेक्शन किया था, रेजिस्टेंस काउंट किया, तो पॉसिबिलिटीज है क्या मार्केट यहाँ पर मे भी सीधा ब्रेकआउट करे, या मार्केट मे भी यहाँ पर एक फिर से साइडवे रूटीन ले सके। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक एक लेवल करके मार्केट साइडवे, जैसा मार्केट यहाँ से पंप लिया साइडवे घुमाए, फिर मार्केट यहाँ से पंप लिया है साइडवे घूमेगा, यहाँ पर भी सेम वही चीज सिनेरियो मिला है, मार्केट पंप किया साइडवे घुमा काफी टाइम तक, फिर पंप देन साइडवे। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर भी है कि मार्केट पंप लेने के बाद यहाँ पर कुछ लेवल तक साइडवे घूम सकता है। सेम वही लेवल है 12,300 या जो लेवल आपका $12,260 का,
ये लेवल के अबव मार्केट अगर होल्ड करते हैं तो अच्छी बात है, तो आपको फिर रिवर्सल का चांस देखने को मिल जाएगा। देखिए जो हिसाब से मार्केट में न्यूज आ रहा है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि हमको पैनिक या नेगेटिव होने की जरूरत है बिटकॉइन के ऊपर, लेकिन वही चीज है जब तक मार्केट लेवल्स को होल्ड कर रहा है तो हमारी हेल्दी बात है, जब तक मार्केट लेवल के अबव है तो हम उसके एक बेफिक्र होकर उस लेवल को होल्ड कर सकती हूँ। जो हिसाब से पिछले सिनेरियोस हुए हैं ना उसके हिसाब से भी बात करें तो मार्केट में मल्टीपल सिनेरियोस बन सकते हैं। ये भी हो सकते हैं कि मार्केट वापस 10,800 को टेस्ट करके वापस अप जाए, या अगर मार्केट 12,000 के अबव ही होल्ड किया तो वहाँ से भी होल्ड करके रिजेक्शन करके अप जा सकते हैं। तो मल्टीपल लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। अब जो लेवल मार्केट होल्ड करेगा हम उसी हिसाब से एस्टिमेशन लेंगे और उसी हिसाब से अपना आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि भैया मार्केट कौन से लेवल पर या कहां तक जाने का चांसेस है। तो देखिए फिलहाल तो चलो मार्केट ने एक हेल्दी वे में अपसाइड में क्लोजिंग किया, लेकिन मैं अगर एक्चुअल में वेट करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन का मंथली कैंडल का वेट कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये कैंडल मंथली क्लोजिंग हो गया तो क्लियर कट आइडिया है कि आपका मार्केट 13,900 तक तो चला जाएगा। फिर 13,900 को ब्रेकआउट करता है नहीं करता फिर वो एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन वहां तक तो लेवल आपको क्लियर हो जाएगा अगर ये मंथली कैंडल क्लोजिंग हमको जो कि 9 दिन के बाद देखने को मिलती है अगर वो वैसा ही क्लोज होता है तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि मार्केट यहाँ पर बुलिश हो चुका है। सेकेंड चीज अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टोटल मार्केट कैप, तो देखिए टोटल मार्केट कैप भी सेम सिनेरियो जो बिटकॉइन का सिनेरियो है उसी सिनेरियो पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मार्केट ने जो नेकलाइन था, जो यहाँ पर नेकलाइन था मार्केट ने जो ब्रेकआउट किया है, मार्केट ने पुल बैक भी किया है और करंटली यहाँ पर एंगल्फिंग का सिनेरियो बन रहा है। देखिए मैं सिनेरियो लव्स यूज कर रहा हूँ, अभी कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म कब होगा जब ये मार्केट क्लोजिंग कर देगा इस लेवल पे। तो अगर ये क्लोजिंग कर देता है तो बहुत ज्यादा चांस है क्या आपका टोटल मार्केट कैप 537 बिलियन डॉलर तक देखने को मिलेगा। अभी इसी बात अगर टोटल मार्केट कैप इंक्रीज होगा तो बिटकॉइन के अंदर भी चांसेस बहुत ज्यादा है अब जाने के। अब सवाल यहां पर यह आता है कि भाई हम अल्टकॉइन में ट्रेड करें या ना करें। सिंपल सा है, हम बेस है टेक्निकल के बेस पर फिलहाल यहां पर अगर हम बात करें ना लेवल की, तो देखिए सिंपल सा है, हर चीज के लिए आपको रीजन चाहिए, बाय करने के लिए भी रीजन चाहिए, सेल करने के लिए भी रीजन चाहिए। ये आपका पिछला नेकलाइन लेवल है जो कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रक्चर टेस्ट नहीं हुआ है, मार्केट फिल वक्त में नेगेटिव साइन शो कर रहा है, चांसेस बहुत ज्यादा लग रहा है। सिनेरियो को सिंपल से समझ लो, मार्केट कैप इंडेक्स पॉजिटिव है, बिटकॉइन पॉजिटिव है, अल्टकॉइन नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि भैया बिटकॉइन का अब जाने का चांसेस ज्यादा है और जो अल्टकॉइन इंडेक्स है वो डाउन लग रहा है यहाँ पर। तो सिंपल सा आइडिया यहाँ पर यह है कि हम कुछ दिन तक या कुछ महीनों तक, क्योंकि मैं मंथ के अंदर एनालिसिस कर रहा हूँ, कुछ महीने तक अल्टकॉइन से हो जाएंगे बिल्कुल दूर। क्योंकि अगर मैं 9 दिन की बात करूँ, अगर ये इसी वे में भी क्लोज करता है तो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगा तो 1-1.5 महीना तक एक एस्टिमेशन है, 1-1.5 महीना तक मार्केट डाउन में रहेगा अल्टकॉइन का। तो बेहतर है कि जो अल्टकॉइन में ट्रेड करने का सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मार्केट अप जा चुका है चलो भैया अल्टकॉइन में ट्रेड करते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लेवल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से मार्केट पुल बैक लेगा तभी मार्केट अल्टकॉइन का अप जाएगा। सेम सिनेरियो रिपीट कर रहा हूं यहां पर, देखिए पुल बैक होगा, अभी बिटकॉइन अप जा रहा है मार्केट कैप इंडेक्स के हिसाब से, अगर बिटकॉइन एक हाई लेवल पर जाएगा बिटकॉइन स्टेबल करेगा, अल्टकॉइन मार्केट करेक्शन कंप्लीट कर देगा, फिर अल्टकॉइन यानी बिटकॉइन स्टेबल होने के बाद ही अल्टकॉइन अप जाएगा। तो देखिए हर मार्केट में कोरिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा उसी हिसाब से वर्क करो, ठीक है। तो फिलहाल अल्टकॉइन मार्केट में अभी कोई पॉजिटिव मूव नहीं है, लेकिन मार्केट कैप इंडेक्स और बिटकॉइन में इंडेक्स में बिटकॉइन के अंदर हमको पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन मंथ के क्लोजिंग 9 दिन के बाद हम उस पर कंफर्मेशन लेंगे कि बिटकॉइन यहां से फुल्ली बुलिश हुआ या नहीं है। बाकी मैं आपको लेवल बता चुका हूं, 12,260 या 70 डॉलर का लेवल है डेली के अंदर, उसके अबव मार्केट जब तक है आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बेहतर तो यही है कि फिलहाल अल्टकॉइन से दूर रहो, और स्पेशली फिलहाल अगर आप दूर रहना चाह रहे हो तो मार्जिन और फ्यूचर ट्रेड से दूर रहो, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है वोलेटाइल मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस हंटिंग करता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा लॉस हो जाएगा। तो बेहतर है फिलहाल कुछ लेवल के लिए होल्ड करो, बेस्ट तरीके से जो भी अल्टकॉइन मेरे को नजर आएगा जिसके अंदर न्यूज है मैं आपके लिए पेश कर दूंगा आपके सामने, बस आपका सपोर्ट प्यार और मोहब्बत चाहिए। उसके लिए कुछ नहीं करना है, लाइक कमेंट शेयर करो वीडियो को, जितना तक सपोर्ट दिखाएंगे उतने ही अच्छे तरीके से वीडियो में आपके लिए ला सकता हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की सीरीज आपके लिए मैं लाऊं तो कुछ नहीं चाहिए भाई, सपोर्ट करो, ठीक है। फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं एंड करना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।